नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपके साथ प्रकृति। T20 विश्व कप में भारत ने अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान को हराकर जीत के साथ मिशन मेलबर्न की शुरुआत कर दी है। भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से मात दी। इसके अलावा भारत की जीत में मेलबर्न के मौसम ने खलल नहीं डाली। ऐसा कहा जा रहा था कि रविवार के दिन मेलबर्न में बारिश हो सकती है, लेकिन शायद बादल भी जानते थे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर है। मैच में बादल नहीं बरसे और फैंस को पूरा मैच देखने को मिला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मौसम की वजह से कई मैचों में उलटफेर देखने को मिल रहा है। बरसात ने साउथ अफ्रीका का जीता जिताया मैच ड्रॉ करवा दिया और इसके बाद इंग्लैंड को तो आयरलैंड के खिलाफ हार का भी सामना करना पड़ गया। ऐसे में क्या भारत को भी इस बारिश का नुकसान हो सकता है? टीम इंडिया कल यानी गुरुवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ टूर्नामेंट में अपना दूसरा मैच खेलेगी। ये मैच सिडनी के मैदान पर खेला जाएगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का बेईमान मौसम कल क्या कह रहा है, आइए आपको बताते हैं। क्रिकेट फैंस के लिए ये सिडनी से फिलहाल तो गुड न्यूज ही आ रही है। गुरुवार को सिडनी में बारिश का अनुमान तो है, लेकिन सिर्फ सुबह के समय। भारत को नीदरलैंड्स के खिलाफ शाम के समय मैच खेलना है। ऐसे में मैच के दौरान बारिश होने की आशंका कम ही है। सिडनी में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक बारिश की आशंका 80% है। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 12:30 पे खेला जाएगा। आपको बता दें कि सिडनी के इसी मैदान पर भारत के सबसे पहले साउथ अफ्रीका को बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना है। अगर दक्षिण अफ्रीका के मैच में बारिश आती है तो उसे इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।